भारत आस्था और विश्वास से भरा हुआ देश है। यही एक बड़ी वजह है कि अक्सर ऐसे दृश्य भी नुमाया होते हैं जिन्हें देखकर एक बारगी तो भरोसा ना हो। एक ऐसी ही तस्वीर फिर सामने है। ये तस्वीर आश्चर्यचकित कर सकती है और बहुत संभव है कि विचलित भी कर दे, लेकिन है 100% सत्य। आस्था और विश्वास की ताकत देखिए कि एक शख्स 7 किलोमीटर का रास्ता कीलों वाले बिछौने पर लेट लेट कर अपने आराध्य के चरणों में शीश नवाने जा रहा है, जिसने देखा सिर्फ देखता ही रह गया। मेरी श्रद्धा थी, मैं यहाँ पर आता था, दारू पीता था, पहले दारू मेरी छोड़ दे, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, अर्जी मांगी। नजारा है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आने वाले बागेश्वर धाम का। भक्ति में डूबे इस शख्स का नाम है सोमपाल। सोमपाल उत्तर प्रदेश के संभल जिले के हीरापुर गांव से हैं। शराब की लत थी, लेकिन बागेश्वर धाम के आशीष से एकदम छूट गई। मन में श्रद्धा हुई कि इस बार कड़े तप के साथ धाम का रास्ता तय किया जाए। मन में उठे भाव और मन की मुराद पूरी करने की गहरी आशा में सोमपाल ने ये कठिन प्रण लिया। गुरु जी के दर्शन 3 बार हो चुके हैं मुझे, अब 5वीं बार जा रहा हूँ। मन में एक श्रद्धा है इसलिए कि वो भी मेरी पूरी हो जाए, इसलिए दोबारा किलो पर चल कर जा रहा हूँ। 7 किलो किले है, उनमें कट्टे में छुपी हुई और किलो पर ही बागेश्वर धाम तक पहुँचूंगा मैं। लकड़ी का पटरा जो कि लगभग 700 से अधिक किलो से पटा हुआ है, सोमपाल इसी पर लेट लेट कर ये रास्ता तय कर रहे हैं। इस कड़ाके की ठंड में ये प्रण और दुष्कर हो चला है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जब इस प्रण की सूचना मिली तो ऐसा ना करने की सलाह दी। पंडित जी भी अपनी भावनाओं पर काबू ना पा सके और सोमपाल को गले से लगा लिया। सोमपाल के इस कठिन प्रण की चर्चा चारों ओर है। वाकई एक बात तो सच है, यदि मन में श्रद्धा, लगन और विश्वास दृढ़ हो तो कोई भी कैसा भी कार्य असंभव नहीं।